नमस्कार, अगली खबर है जशपुर की। जशपुर नगर हाथी का एक बच्चा अपने दल से अलग होकर बस्ती में पहुंच गया। बस्ती के समीप हाथी के बच्चे को पकड़ लिया गया और उसके साथ खेलते हुए वीडियो बनाने लगे लोग। इंटरनेट वीडियो में ये खूब वायरल हो रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार जिले के तपकरा रेंज के समडमा गांव में मंगलवार की सुबह लोगों ने दल से अलग होकर बस्ती के पास भटक रहे एक हाथी के बच्चे को देखा। देखते ही देखते खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के कुछ युवा और बच्चों ने हाथी के बच्चे को पकड़ लिया और उसके साथ खेलते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट में डाल दिया। जो वीडियो अब वायरल हो रहा है, वायरल होते ही वन विभाग के अधिकारी हड़बड़ा गए। ग्रामीणों ने बताया कि समडमा के आसपास के जंगल से हाथियों के चिघाड़ने की आवाजें आ रही हैं। डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। रेंजर और एसडीओ सहित सभी वन कर्मियों को समडमा के लिए रवाना कर दिया गया है और वो स्वयं भी रवाना हो गए हैं। उनका कहना है कि मौके का निरीक्षण और ग्रामीणों का बयान के बाद ही पता चलेगा कि हाथी का बच्चा किस प्रकार अपनी मां से अलग होकर बस्ती में घुसा। पेड़ में बांधा हाथी के बच्चे को इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी के बच्चे को बस्ती के पास ही एक पेड़ में रस्सी से बांध दिया गया है और रस्सी से छूटने के लिए ये हाथी प्रयासरत है। इससे हाथी के बच्चे के घायल होने की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी का बच्चा इधर उधर दौड़ रहा था, इसलिए उसे वाहन से टकराने और गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस बीच हाथी के इस बच्चे के नदी के बाढ़ में फंसकर बहते हुए बस्ती में पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का दल ईब नदी को पार करने के दौरान बच्चा तेज धार में फंसकर दल से अलग हो गया और बहते हुए किनारे पर आ गया होगा, लेकिन इन दावों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित तपकरा वन परिक्षेत्र में इस समय अलग अलग समूह में 33 हाथी डेरा जमाए हुए हैं। वहीं जिले में हाथियों की संख्या 61 तक पहुंच गई है। हाथियों की लगातार बढ़ती हुई संख्या से जन और संपत्ति हानि का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। गंभीर होती इस समस्या को नियंत्रित करने का कोई भी सरकारी प्रयास अब तक अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। घटना की सूचना मिली है, घटना स्थल के लिए मैं रवाना हो गया हूँ। मौके का निरीक्षण करने के बाद वास्तविकता का पता चलेगा, ऐसा कहना है जितेंद्र उपाध्याय, डीएफओ जशपुर का। उठाने।